राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा 5 दिवसीय जोधपुर इंटरनेशनल सेंटर फेस्टिवल का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली से किया। 5 दिवसीय इस इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में विभिन्न तरह के नाटकों का मंचन किया जाएगा, जिसमें दुबई के नाटक भी शामिल है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का थिएटर फेस्टिवल जोधपुर में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर दर्शकों में उत्साह देखने को मिला है। इस फेस्टिवल में प्रख्यात नाटक भूमि, घी, किल, नो टू किल, पीछा करती परछाइयां, हमारी नीता की शादी और बालीगंज 1990 जैसे नाटकों का मंचन किया जाएगा। इस अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज में एक चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 6,994 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 5 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज देने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री निवास पर शनिवार को बोर्ड ऑफ कन्वेस्टमेंट की बैठक हुई, जिसमें मंजूर प्रस्तावों से 5,415 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई और इस बैठक में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेश में आने वाली बाधाओं को पूरी प्रतिबद्धता से दूर करें, परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से शुरू करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मिले प्रस्तावों पर विस्तार से अध्ययन के लिए मुख्य सचिव को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। मंत्री कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने जो घोषणाएं की हैं, उससे निश्चित तौर से राजस्थान की जनता को फायदा मिलेगा। बीकानेर के रेल फाटकों की समस्याओं से निजात पाने के लिए 35 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने पहले भी रेल बाईपास के लिए 61 करोड़ रुपए दिए थे। मास्टर प्लान बन गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने से रेल बाईपास नहीं बन सका। अशोक जी गहलोत ने पहले भी, जब मैं स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री था, तो 61 करोड़ रुपए रेल बाईपास के लिए मंजूर किए थे। उसका मास्टर प्लान बन गया, उसकी ज़मीन एक्वायर करने के नोटिस वोटिस सब जारी हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने उस योजना को खटाई में डाल दिया, जिसके कारण हमारा रेल बाईपास नहीं बन सका। जयपुर में बंधुनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान आए हुए गणमान्य लोगों ने मुख्य अतिथि विक्रम सिंह का फूल माला पहनाकर जोर शोर से स्वागत किया। विक्रम सिंह ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने की बात कही। इस दौरान मंजू शर्मा भी वहां मौजूद, उन्होंने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस दौरान राजस्थान राज्य विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष मंजू शर्मा भी मौजूद रही। पिछले चार साल से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। शुरू के दो साल तो निश्चित तौर से कोरोना के अंदर गए और पूरे हिंदुस्तान की जनता ही काफ़ी परेशान रही, राजस्थान की जनता भी परेशान रही। और पिछले 2.5 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान के अंदर जो योजनाएं लाए और जो जिन हद हितकारी काम जो किए वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शायद बहुत कम स्टेटों में। आज विद्याधरनगर विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं विक्रम सिंह शेखावत द्वारा होली स्नेह मिलन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत ही जोश उत्साह था देखने को मिला एवं मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को भी सबने सराहा और कहा कि हम सब दोबारा कांग्रेस की विधायक बनाने के लिए हम यहाँ पर तत्पर हैं। इस अवसर पर मैं सभी बंधुओं से ये निवेदन करना चाहती हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि 19 मार्च 2023 विद्याधरनगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पधारकर इस महाकुंभ में सफल बनाने में अपना योगदान करें। जय परशुराम।
जयपुर स्थित श्री राजपूत सभा भवन में कर्णी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सभा भवन में कालवी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान आए हुए गणमान्य लोगों ने कालवी के बारे में विचार व्यक्त किए और बताया कि कैसे संगठन कालवी के नेतृत्व में बना और कैसे आगे बढ़ा, उसको लेकर विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान लोकेंद्र कालवी के स्मारक की भी मांग की गई। हमारे समाज के बहुत बड़े विशाल स्तंभ थे वो, और समाज को कभी भी मान सम्मान में कोई कमी आती या इतिहास को तोड़ मरोड़ के कोई पेश करता, कालवी साहब एक ऐसी शख्सियत थी वो सबसे अग्रणी पंक्ति में आते, और उनकी लीडरशिप इतनी तेज थी। जब उन्होंने कर्णी सेना की स्थापना करी तो उसके माध्यम से पूरे राजस्थान के राजपूत एकत्रित होते थे किसी भी कार्य, किसी भी इतिहास के बारे में, और किसी समाज की निंदा अगर हो तो वो सबसे पहले अग्रणी रहते थे। और मैं कहता हूँ राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कर्णी सेना का वर्चस्व है, और कर्णी सेना एक ऐसी सेना ऐसी संस्था है कि वो हमेशा 36 कौम को भी साथ लेके चलते। आज श्री राजपूत सभा में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई। पूरे प्रदेश से, पूरे जिले से गणमान्य लोग पधारे श्रद्धांजलि सभा में। वो ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी थे कि पूरे देश में यहाँ सभा, एक राजपूत सभा में हो रही है ऐसी श्रद्धांजलि, इसी तरह पूरे देश में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही। जयपुर, जयपुर में बड़े लेवल पे आज यहाँ हुई है। जयपुर के सबसे, राजस्थान का सबसे मैन राजपूतों का ये संस्था है, और पूरे देश में जहाँ जहाँ ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ हर जगह, हर जिला मुख्यालय पर ये ऐसी संस्थाएं श्रद्धांजलि सभा हो रही है। ये उनका व्यक्तित्व था, उन्होंने समाज को जो दिया, समाज उनके लिए खुद स्वतः, ये कोई किसी के यहाँ कोई किसी ने कोई फतवा जारी नहीं किया, किसी ने यहाँ से कोई आदेश जारी नहीं किया कि कालवी साहब की सभा रखनी, स्वतः लोग रख रहे हैं। उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा है, समाज के मन में कालवी साहब के प्रति श्रद्धा थी, है। और अभी उनकी जाने की उम्र नहीं थी, केवल 67 साल के कालवी साहब थे, और हमें छोड़ के वो गए। हमें तो विश्वास भी दिया हो रहा है अभी भी कि वो चले गए, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ कालवी साहब का जयपुर में एक भव्य स्मारक हो, उसके लिए जगह अलॉट करी जाए, और बाकायदा स्मारक के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए जल्द से जल्द। उनके 12 दिन 24 तारीख को पगड़ी की रस्म है, उससे पहले पहले सरकार इस पर ध्यान दे और इस पर अलाउंस करे, क्योंकि कालवी साहब इसके हकदार थे। महानायक को महाविदाई देने के लिए हम 24 तारीख को हम सभी कालवी जा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनके लिए स्मारक के लिए जगह अलॉट करें, और क्योंकि 36 कौम के नेता थे, इस देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छे काम उन्होंने किए हैं, इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनके लिए स्मारक के लिए जगह अलॉट करें, और 24 तारीख को कालवी अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग जा रहे हैं, सभी जाति धर्म के लिए, और 24 तारीख को पधारें। जोधपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया, और तीनों विधानसभा क्षेत्रों से काफी संख्या में कार्यकर्ता होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चंग की थाप पर झूमते नजर आए। विधायक सूर्यकांता व्यास होलियां के गीत गाती नजर आई। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के सानिध्य में कमला नेहरू नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर के केशव परिसर में आयोजित होली स्नेह मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रारंभ में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और अतिथियों का तिलक और मौली बांधकर सत्कार किया। राजस्थान के माइनर मिनरल ब्लॉक्स की प्रीमियम दरों पर नीलामी में रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। बताया है कि अलवर में मेसनरी सैंड स्टोन्स के 8 प्लॉट्स की 19 लाख रुपए रिजर्व प्राइस है, जिसकी तुलना में ई ऑक्शन में 46 करोड़ 61 लाख रुपए की उच्चतम बोली मिली है, जिससे एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 14 मार्च से 17 मार्च तक कुल मिलाकर 62 प्लॉटों की सफल नीलामी हुई है, जिसमें 2 करोड़ 4 लाख के रिजर्व प्राइस के प्लॉटों की प्रीमियम बोली 148 करोड़ 30 लाख रुपए मिली है, जिसमें कोटपुतली, पावटा के क्वार्टर्स
और फिल्स पार्क के 5 प्लाट, चौमू हाथनूदा के मेसिनरी स्टोन के 2 प्लॉट शामिल हैं और जिनके रिजर्व दरों से कई गुना अधिक प्रीमियम राशि पर नीलामी हुई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक्सप्लोरेशन पर जोर और वैध खनन को बढ़ावा देने के निर्देशों का ही ये परिणाम। प्रदेश में मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में तेजी आई है। उन्होंने ये भी बताया कि खान मंत्री प्रमोद जैन भाया लगातार मॉनिटरिंग कर आवश्यक निर्देश देते रहे हैं। विभाग की ओर से माइनर मिनरल ब्लॉकों की भी प्रीमियम दरों पर नीलामी बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। बीकानेर में जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम के निर्देश पर गाड़ियों के आगे लगे बम्पर को लेकर कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में यातायात निरीक्षक रमेश सर्वेटा की टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। वाहनों के आगे लगे बम्पर उतरवाए गए, उनका चालान भी काटा गया। सर्वेटा ने बताया कि पिछले 2 दिनों में 100 के करीब वाहनों पर जुर्माना वसूला गया है। ये भी बताया गया कि वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर वाहन चला रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शहर बीकानेर के आदेशानुसार जो गाड़ी लगे वाहन है जो मॉडिफाइड कर रखा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन वाहनों को सीज किया जा करके न्यायालय के द्वारा ही ये वाहन छूट रहे हैं और माननीय न्यायालय ने आदेश फरमाए हैं कि इन वाहनों के गाड़ी उतरवा करके इनको नीलाम किया जाए और नीलाम की राशि राजकोष में जमा की जाए। सवाई माधोपुर में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग कर सरपंच पुत्र को घायल करने का मामला सामने आया है। रावल गांव में शनिवार सुबह कुछ लोगों ने सरपंच पुत्र पर हमला कर दिया जिससे सरपंच पुत्र घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सवाई माधोपुर लाया गया जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। मामले को लेकर रावल सरपंच बजरंगी देवी के बड़े बेटे राजमल मीणा ने कुंडेरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घटना रावल गांव में सुबह करीब 9 बजे हुई थी लेकिन पुलिस दिन भर छुपाती रही। मीडिया कर्मियों ने थानाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की, उन्होंने घटना की पुष्टि करने के बजाय मीडिया कर्मियों का शाम 4 बजे तक फोन ही नहीं रिसीव किया। जोधपुर के सरदारपुरा थाने पुलिस ने हवाला व्यापारी से 6.5 लाख की लूट के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर पवन सोलंकी को गोवा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। डीसीपी पश्चिम गौरव यादव के ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लूट की राशि 45 से 50 लाख थी लेकिन व्यापारी ने अपनी रिपोर्ट में इसे कम बताया। पुलिस ने बताया कि इस घटना को 7 लोगों ने अंजाम दिया और घटना में शेखावाटी की गैंग भी शामिल थी। अब तक इस मामले में झुंझुनू पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि जोधपुर पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। डीसीपी यादव के अनुसार पवन सोलंकी जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के मंडोर थाने का हिस्ट्री शीटर है और वो लॉरेंस गैंग के गुर्गों को शरण देने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले में लॉरेंस गैंग के हाथ होने की भी जांच कर रही है। 45 लाख अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि 45 लाख की लूट की है। जो डिटेल पूछताछ होगी उसमें जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। यदि वो कहीं पे भी वांटेड था, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया कि इसके कई सारे मुकदमे थे, एक पर्टिकुलर मुकदमे में जो हमारे पास जानकारी, ये नामजद मुलजिम भी है, तो संबंधित पुलिस से संपर्क करके यदि वो उसमें वांटेड होगा तो फिर ऑब्वियसली वो उसको ले जाएंगे। और उसको श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से बड़ी खबर है। औषधि नियंत्रक और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 5 घंटे से आधा दर्जन से अधिक मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई है। श्री रामदेव मेडिकल स्टोर पर 3 तरह की दवाइयां फ्रीज की गई हैं, 12,500 से अधिक टैबलेट फ्रीज की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है, 5 घंटे से आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई की गई टीम की तरफ से। आपको बताएं कि श्री रामदेव मेडिकल स्टोर पर 3 तरह की दवाइयां मिली जिसे फ्रीज कर दिया गया है, 12,500 से अधिक टैबलेट को फ्रीज किया गया है। आज रायसनगर पुलिस स्टेशन से हमें मेडिकल स्टोर द्वारा नशा बेचने के लिए रैंडम औचक निरीक्षण करने की सूचना मिली जिसके मैं पहुंचा हूँ।
अभी तक हमने दो मेडिकल स्टोर की जांच कर ली है, मदनपुर का मेडिकल स्टोर, दूसरा श्री रामदेव मेडिकल स्टोर। एक मेडिकल स्टोर पे हमें मदनपोत्रा पे अभी विदाउट बिल का कोई माल नहीं मिला है, लेकिन बहुत सी दवाइयाँ विशेष तौर पर प्रीकाबल जिसका मिसयूज हो रहा है आज के तौर पर नशे के लिए, उसका बिना सेल बिल के निशान करना होता है। कोटपुतली के जिले की घोषणा होने के बाद गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के कोटपुतली पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जिला बनने की खुशी से कोटपुतली क्षेत्र का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया। स्थिति का आंकलन इस तरह से लगाया जा सकता है कि मंत्री राजेंद्र यादव जयपुर निवास से तितरी निवास के लिए सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना हुए थे और शाम 7 बजे अपने निवास पर पहुंचे। कोटपुतली आने पर दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में जमकर गुलाल उड़ाई गई और आतिशबाजी भी की गई। कोटपुतली में होली और दीपावली एक साथ नजर आई। वैसे तो कोटपुतली में आतिशबाजी और जश्न का माहौल बीती रात से ही चल रहा था, वहीं मंत्री के कोटपुतली पहुंचने पर यह जश्न परवान पर और चढ़ गया। मंत्री राजेंद्र यादव के साथ इस दौरान उनके बेटे पीसीसी सदस्य मधुर यादव और विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर भी साथ रहे। आपको बता दें कि जिले की मांग को लेकर कोटपुतली पिछले लगभग 70 सालों से संघर्ष कर रहा था, जबकि आजादी से पूर्व रियासत काल में कोटपुतली को निजामत के तौर पर जिले का दर्जा प्राप्त था। जब से लेकर अब तक कितनी ही सरकारें आईं और कितनी ही सरकारें चली गईं, जिले की मांग हर चुनाव में चुनावी मुद्दा बनकर रह जाती थी। मंत्री राजेंद्र सिंह यादव का भी सबसे बड़ा सपना यही था कि कोटपुतली जिला घोषित हो, लेकिन कल की घोषणा के बाद मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और कोटपुतली क्षेत्र की जनता दोनों ही खुश नजर आए। मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम लिया पूरे प्रदेश के लिए, जो आज 19 जिले उन्होंने घोषणा की है और अगले 2-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आने के बाद जिले अपना काम करना शुरू कर देंगे। और ये जनता के लिए एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ उनकी सेवा का मौका एक है कि जो पूरे प्रदेश के अंदर डिस्टेंस दूर थे, जिस तरीके से कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, पशुओं के हॉस्पिटल बड़े हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी जिलों को छोटा होना जरूरी था। नंबर इतना बढ़ गया था कि पीएससी, सीएससी सारी, तब तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स बैठे हैं और वो सुचारू रूप से कंट्रोल कर सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है कांग्रेस पार्टी का। कोटपुतली पिछले काफ़ी सालों से जिले की डिमांड चली आ रही थी और आज हमारी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से निर्णय लेते हुए कोटपुतली को जिला बनाने का निर्णय लिया है। मैं पूरे कोटपुतली और कोटपुतली जिले के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाड़मेर के बालोतरा को जिला बनाने पर जश्न का दौर दूसरे दिन भी जारी रहा। सबसे ज्यादा खुशी विधायक मदन प्रजापत के बुजुर्ग माता पिता को हो रही है, क्योंकि पिछले एक साल से उनका विधायक बेटा जिले बनाने की मांग को लेकर नंगे पांव चल रहा था। विधायक के परिवार ने सीएम गहलोत का आभार जताया है। विधायक के माता लहरो देवी ने कहा है कि मेरे बेटे की मांग को पूरा कर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस दौरान हमारे सहयोगी बंशी चौधरी ने विधायक मदन प्रजापत के परिवार से खास बातचीत की है, सुनिए जरा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा में बालोतरा सहित 19 जिले व 3 संभाग की घोषणा के बाद बालोतरा में जश्न का माहौल है और सबसे बड़ी खुशी उनको है जिन्होंने इस जिले के लिए संघर्ष किया और पिछले एक साल से बिना जूते और चप्पलों के सड़क से लेकर सदन तक बालोतरा को जिला बनाने की मांग की। और क्योंकि स्थानीय विधायक मदन प्रजापत का सपना था कि बालोतरा जिला बने और उस जिस तरीके से पिछले एक साल से मदन प्रजापत बिना जूतों के घूमते थे, निकलते थे, और सबसे बड़ी खुशी उनके परिवार के सदस्यों को है। देखिए, इनकी माताजी है, पिताजी है, पत्नी है और उनके बेटा और बेटी, इन ये वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में सबसे बड़ा साथ निभाया और हमेशा विधायक मदन प्रजापत का हौसला बनाए रखा। मेरे साथ में विधायक मदन प्रजापत जी की माताजी है। माताजी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी और जिला बन गया है। जिले बन गया सा सब सब दे हतरे में न पड़िया पैदल बगैर जूते अशोक गहलोत जी बनायो है। उन्होंने धन्यवाद बहुत बहुत खुशी है मुनेहंगोनी थी बात राखियो। हाँ,
एमएलए साहब, आप एमएलए बाद में पहला आप बेटा है, कितो दर्द थोने भी हो वाला क्या? धूप गर्मी सर्दी हर मौसम में बिना जूतो चप्पल घूमता? हाँ, अगर गर्मी में जूतो, सर्दी में ही जूतों में बना फरिया, गर्मी में फरिया, बरसात में ही फरिया, तो हमारा बहुत दर्द बेहतर है। हम घरों ने पगों में किकरी वो कांटा भागा, काकरा लागा, पीठ हुई, तो मन घना दर्द पड़ा, मैं मन बहुत खुशी है। पत्नी होने के नाते आपको कितनी खुशी होती है पहले जिला बनने की, और उसके बाद में आपके एमएलए साहब का जो वचन था वो पूरा हुआ है? खुशी है बहुत, घनी हुई है खुशी। अच्छा, आपके घर परिवार में शादी समारोह विवाह भी होया उन टाइम भी बिना जूते चप्पल? हाँ, शादी भी है पर तो जूता नहीं पहरिया है। अच्छा, तो निश्चित तौर पर तमाम लोग हैं, इनके पुत्र हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा। भाई साहब, आपकी शादी में भी आपके पिताजी बिना जूते चप्पल के थे, बोले यहाँ का कार्यक्रम हो या फिर जयपुर का हो, अक्सर मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, मुख्यमंत्री जी भी यही कहते थे कि अभी तक आपने जूते नहीं पहने। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। शादी के इस खुशी के पल में जिस समय उन्होंने जब सब चीज़ें इतनी खुशी नुमा दी, तो जिस समय जब उनके पैरों की ओर देखा जाता था तो एक अफसोस टाइप होता था, पर उन्होंने भी अपनी जिद और वचन पर अड़िग रहे और आज उसी खुशी का परिणाम है कि आज बालोतरा जिला है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये बात सुनी और आज ये बालोतरा जिला बनाए, तो ये बहुत खुशी का पल है इसलिए। क्या लगता नहीं था आप पापा को कहते नहीं थे कि पापा जी पहन लो क्योंकि जिला तो बन जाएगा, क्योंकि 40 सालों से मांग चली आ रही थी, क्या मांग पूरी होगी कि नहीं होगी? देखो, लोगों ने तो मजाक भी बनाए, कई लोग मेरे से भी जानना चाहते थे कि आपको पता होगा, पर जो आम सूचना थी वही थी, और आखिरकार सीएम साहब ने जो जिला बनाया, जिले की जो सौगात दी है वो तारीफ़ काबिल हैं, और आज बालोतरा जिला बनाया जो 40 सालों से लंबित मांग थी, लोग कहते थे कि पैर जूते उतारने से कोई जिला नहीं बन जाता, तो आज उन लोगों के ये शब्द ही उन काफ़ी हैं कि आज जिला बनाए, अगर उन्होंने मेहनत की होती तो आज ये मौका हमें हाथ में नहीं आता, आज बनाए वो खुशी का बहुत बड़ा खुशी का पल है। सबसे बड़ा धन्यवाद किसे जाहिर करना चाहोगे इस जिले को लेकर? बालोतरा की आवाम है, एमएलए साहब हैं और सीएम, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है जिन्होंने ये सौगात दी है, तो सबसे पहले धन्यवाद तो इन्हीं को जाएगा। निश्चित तौर पर इनकी विधायक महोदय की बेटी भी है साथ में, आपको कैसी खुशी महसूस होती है जिला बनने की, क्योंकि पिछले एक साल से जिस तरीके से पापा जी आपके संघर्ष कर रहे थे? मुझे तो बहुत खुशी होती है, पर ना जिस टाइम पापा को बिना चप्पलों के देखती थी बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उनके पैर में हमें इतनी सारी परेशानी हो गई, क्योंकि पट्टियाँ वगैरह सब करवाई, बहुत तकलीफ देखी, पर आखिरकार लास्ट में उनकी मेहनत काम आई, रंग लाया और देशवासियों और राजस्थान के सभी नागरिकों को धन्यवाद, क्योंकि पापा को बहुत सपोर्ट किया और गले सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल जिला बनाओ उसके बाद पापा जी से बात भी होगी, क्या कहा होगा आपके पापा जी ने, पापा जी ने आपको किस तरीके के धन्यवाद दिया होगा? मैंने पापा को कॉल किया कि पापा जी कैसे हो, बधाई है, तो कि आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आपने भी हमारा बहुत साथ दिया, और मैंने बोला कब घर पर आ रहे हो, तो क्या बोला बहुत जल्द आप सबसे मिलेंगे और खुशी जाहिर करेंगे। निश्चित तौर पर किसी की दर्द की पीड़ा परिवार से ज़्यादा कौन जान सकता है, पूरा परिवार है विधायक मदन प्रजापत का, तो तमाम लोग खुश है क्योंकि जो वचन मदन प्रजापत ने बालोतरा की जनता से किया था वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए बालोतरा से बंसीलाल चौधरी।